इस कहानी में हमने अब तक देखा कि अयान हर्षवर्धन जी से कहता है, अंकल उस रक्षक के सहायता के लिए भी कोई होगा ना, क्या वो रक्षक अकेले ही उस महाशक्तिशाली हीरे की रक्षा करता है? उसके तो इतने सारे दुश्मन है, वो रक्षक के पास माना की शक्ति अभाव पर उसको तो उस हीरे की रक्षा करके उसे सेफली फिर से धरती के गर्भ में एक सुरक्षित जगह पर पूरे विधि विधान से गायब करना है ना। उसकी बात पर हितेश्वरधन जी अयान की तरफ देखकर कहते हैं, अयान बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, क्योंकि उस रक्षक की सारी शक्तियां उस महाशक्तिशाली हीरे को सुरक्षित स्थान पर सुरक्षित करने में ही चली जाती थी। उसके बाद वो बेहद कमजोर हो जाता है, इसलिए उसकी रक्षा के लिए भी कोई ना कोई होगा। मुने इस बारे में ज्यादा तो कुछ पता नहीं है, इस सब के बारे में हूँ दैत से ही पता चलेगा। उनकी बात पर कुछ कहता है तो छोटे पापा फिर देर किस बात की, हम दादू से इस बारे में पूछते हैं, और वैसे भी हम उनको बताना भी तो है, वो जिस रक्षक को ढूंढ रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि हमारी प्रिंसेस ही है। अब आगे कुश के कहने पर कि हमको ये सब दादू को बता होगा कि वो जिसे इतने सालों से ढूंढ रहे हैं वो रक्षक कोई और नहीं बल्कि हमारी अनाया ही है। हर्षवर्धन जी हल्दी ही उन तीनों के साथ फर्क मेंशन के लिए निकल जाते हैं। वही डार्क मेंशन में दादू यानी कि अखिलेश मित्तल इस वक्त अपने स्टडी रूम में परेशानी की मारे एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे थे। वो बेहद ही परेशान थे जब से उनका महाशक्तिशाली हीरे के अगले 45 डेज के बाद अमावस्या के दिन अपने असली रूप में धारा पर प्रकट होने की बात पता चली थी, क्योंकि अभी तक उस महाशक्तिशाली हीरे के रक्षक के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। हालांकि हर बार वो रक्षक उनके ही खानदान का होता था, पर उस बार ऐसा नहीं था, क्योंकि उनके खानदान के जो 3 पोते थे वो रक्षक नहीं थे। इसके बारे में देवराज मित्तल ने पता लगाया था। जो कोई भी उस महाशक्तिशाली हीरे का असली रक्षक होता है वो जन्म से ही शक्तियों के साथ उस धारा पर आता है, और ऐसा कुछ और लव के जन्म के वक्त कुछ भी नहीं हुआ था, और नहीं बाद में उनकी कुंडलियों को उनके महागुरु को दिखाने के बाद उनके रक्षक होने के कोई सबूत मिले थे। पर जब आयुष हर्षवर्धन जी का बेटा है ते बाद जब देवराज मित्तल को पता चली तो उनको लगा कि हो ना हो यही रक्षक है, पर उसकी कुंडली में भी उसके रक्षक होने के कोई भी गुण नहीं थे। देवराज मित्तल ने कभी अनाया रक्षक हो सकते हैं इस बारे में सोचा ही नहीं, और नहीं उनने इस बारे में ध्यान दिया कि अनाया जन्म से ही कई सारी शक्तियों के साथ आई है। इस वक्त राशि के मरने की खबर में किसी इस बात का ध्यान ही नहीं दिया था कि अनया के हाथ से अजीब सी ही रोशनी निकल रही थी जो धीरे धीरे गायब हो गई थी। देवराज मित्तल परेशानी में अपने स्टडी रूम में इधर से उधर घूम रहे थे, तभी उनके स्टडी रूम का डोर नोक हुआ। जिस देवराज मित्तल का ध्यान तरफ गया वो अपने चेयर पर बैठ गए और स्टडी रूम के बाहर जो भी है उसे अंदर बुलाते हैं, अंदर आ जाओ। उनकी इजाजत मिलते जी स्टडी रूम का डोर ओपन होता है और अयान और कुश के साथ हर्षवर्धन जी इस रूम में एंटर करते हैं और स्टडी रूम का डोर लॉक करके एसपीए डैड के सामने वाली चेयर बैठ जाते हैं। उन्हीं के पास अयान कुश भी बैठ जाते हैं। देवराज जी अपने छोटे बेटे और पोते के साथ अयान को अपने स्टडी रूम में देखकर उनसे कहते हैं, क्या हुआ, कोई जरूरी बात है क्या जो तुम लोग इस समय मेरे स्टडी रूम आए हो? उनकी बात सुनकर अयान और कुश दोनों ही हर्षवर्धन जी की तरफ देखते हैं, जैसे उनको बोलने को कह रहे हो। उनकी बात समझकर हर्षवर्धन जी अपने डैड की तरफ देखकर कहता है, डैड आप जिसे इतने सालों से ढूंढ रहे हो हमें मिल गया है। हर्षवर्धन की बात सुनकर पहले देवराज जी के कुछ समझ नहीं आया, इसलिए वो उनकी तरफ असमंज से देखकर कहते हैं, हर्ष तुम किसकी बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कौन मिल गया है? अपने डैड का कंफ्यूजन दूर करने के लिए हर्षवर्धन कहते हैं, डैड आप उस महाशक्तिशाली हीरे की रक्षक को इतने सालों से ढूंढ रहे थे ना, जो कि आने वाले 45 डेज यानी कि अमावस्या के दिन अपने असली रूप में धरती के गर्भ से बाहर आने वाला है, वो हमें मिल गया है, अपने छोटे बेटे के मुंह से रक्षक मिल गया है। ये सुनकर देवराज मित्तल की आंखें में चमक आ जाती है, साथ में
उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान खिल जाती है। वो सोने बेटे हर्षवर्धन की तरफ देखकर कहते हैं, हर्ष तुम सच कह रहे हो ना, रक्षक मिल गया है। हर्षवर्धन जी अपना सर हिला देते हैं। उनके ऐसा करते ही देवराज मित्तल उनके ऊपर अपने सवालों की लाइन लगा देते हैं, हर्ष तुमको उस रक्षक के बारे मायूस चल गया है ना, तो जल्दी मुझे उसके बारे में बताओ, वो कौन है? उस वक्त कहा है, उसे इस बारे में पता है क्या? और भी न जाने वो कितने सवाल पूछ रहे थे, उनकी बीच में ही रोककर कुछ उनके आगे पानी का ग्लास कर उनसे कहता है, दादी आराम से, कितने सवाल एक साथ कर रहे हो, एक एक सवाल पूछो ना, छोटे पापा आपको सब बता देंगे। पहले आप एक गहरी सांस लो और ये पानी पिलो, उसके बाद अपने एक एक सवाल पूछो जिसका जवाब छोटे पापा आपको दे देंगे। वही दादू को भी अबावनी गलती का एहसास होता है कि वो रक्षक मिल गया है। उसके बारे में जानकर इतने एक्साइटेड हो गए थे कि अपने बेटे को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे थे। वो कुश के हाथ से ग्लास लेकर उसे एक सांस में ही खाकी करते हैं। वो हर्षवर्धन से कुछ पूछने ही वाले थे कि तभी उनकी ध्यान कुश और अयान और गया। वो उन दोनों की तरफ देखकर कहते हैं, तुम दोनों को रक्षक और उस महाशक्तिशाली दिव्य हीरे के बारे में पता है? उनके इस सवाल पर दोनों ही उनकी तरफ देखकर अपना सरहा में हिलाते हैं। वही वो कुछ कहते उससे पहले ही हर्षवर्धन कहता है, डैड उन लोगों को मैंने ही बताया है, और रही बात रक्षक की तो वो हमारे ही घर का एक सदस्य है। देवराज मित्तल कहते हैं, हमारे घर का बट तुम तो आचे तरह से जानते हो ना, कुशलव और आयुष दोनों में कोई भी शक्तियां नहीं है, इसका मतलब वो रक्षक नहीं है, तो फिर हमारे घर में कौन रक्षक है? उनकी बात पर हर्षवर्धन जी कहते हैं, प्रिंसेस देवराज जी शोक हो जाते हैं। वो अपने बेटे की तरफ देखकर कहते हैं, क्या कह रहे हो हर्ष, प्रिंसेस कैसे? उनकी बात पर हर्षवर्धन उनको वो सब बता देते हैं जो उनको अनाया ने बताया था, जिसे सुनकर देवराज जी को भी यकीन हो गया था कि प्रिंसेस ही रक्षक है। वो हर्षवर्धन की तरफ देखकर कहते हैं, हर्ष क्या राशि जिंदा है? हर्षवर्धन अपना सरहा में हिला देते हैं। इस वक्त उनके चेहरे पर ना बता पाने वाली खुशी थी। देवराज मित्तल भी बेहद खुश हो जाते हैं, क्योंकि राशि को बहु नहीं बल्कि एक बेटी की तरह मानते थे। राशि उनके सबसे खास मित्र की पोती थी। देवराज जी कहते हैं, अगर प्रिंसेस को होश आ गया है तो वो इस वक्त कहाँ पर है? वो ये पर क्यों नहीं आई? और वो अभी भी बेहोशी का नाटक क्यों कर रही है? उनकी बात सुनकर हर्षवर्धन जी कुछ कहते उससे पहले ही कुछ उनको अनाया के एक्सीडेंट से लेकर अब तक की सारी बातें बता देता है। देवराज जी परेशान हो जाते हैं सब जानकर, पर जब उनको अनाया की रक्षक होने की बात पता चलती है तो उनकी परेशानी दूर हो जाती है, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे उनकी प्रिंसेस सब संभल लेंगी। वही अब देवराज जी के सारे सवालों का जवाब देने के बाद अयान और कुश उनसे अपने सवालों को बारे में पूछते हैं। उनके सवाल सुनकर हर्षवर्धन जी कहते हैं, इस बारे में मुझे ज्यादा तो नहीं पता कि जैसे काली शक्तियां होती है, वैसे ही कुछ अच्छी शक्तियां भी होगी जो रक्षक की मदद करेगी महाशक्तिशाली हीरे को सुरक्षित करने के लिए। इस बारे में हूँ सिर्फ एक ही ईशान बता सकता है। कुश, अयान और हर्षवर्धन जी एक साथ कहते हैं, कौन है वो इंसान? पिताजी, दादू। दादू देवराज मित्तल उनकी तरफ देखकर कहते हैं, वो और कोई नहीं बल्कि महागुरु है जो उस बारे में हमें बता सकते गई। पर अयान कहता है, पर क्या दादू? देवराज जी उन तीनों की ऊपर अपने नजर गड़ाए हुए कहते हैं, वो उस वक्त हिमालय गए हुए हैं। उन्होंने उतना ही कहा था कि कुछ अयान का चेहरा उतर जाता है, जिसे देवराज मित्तल नोटिस कर लेते हैं। वो उनकी तरफ देखकर कहते हैं, महागुरु जल्द ही यह आ जाएंगे, क्योंकि उनको महाशक्तिशाली हीरे के 45 डेज बाद अमावस्या के दिन अपने असली रूप में प्राप्त होने के बारे में अब तक पता चल चुका होगा, और रक्षक के बारे में भी, तो वो जल्द ही हमारे पास आ जाएंगे, पर उनको मिलने के लिए हमें जल्द ही इंडिया वापस जाना पड़ेगा। उनकी बात सुनके उन तीनों के उतरे हुए चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। हर्षवर्धन जी को समझ नहीं आ रहा था उन दोनों को क्यों जानना था कि रक्षक की सहायता के लिए भी कोई सकारात्मक शक्ति होगी। वो उन दोनों से इस बारे
में पूछते हैं तो दोनों उनसे ऐसा कुछ कहते हैं जिसे सुनकर हर्षवर्धन जी के साथ में ही देवराज मित्तल भी शोक हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में महेश मेहरा जॉन और विक्रम राजावत इस वक्त मुंबई शहर के बाहर ही कुछ दूरी पर फैले हुए एक जंगल के बीचों बीच बनी हुई एक गुफा के अंदर जमीन पर बैठे हुए थे। उनके सामने हवन कुंड था जिसमें अग्नि प्रज्वलित थी और उस अग्नि के सामने ही एक तरफ वो तीनों बैठे थे और दूसरी तरफ एक काले कपड़े पहने हुआ शख्स जिसने काली धोती पहनी हुई थी और ऊपर से काली शोल ओढ़ी हुई थी, साथ में उसके माथे पर काले रंग का वश्म लगा हुआ था। उसके सर पर एक भी बाल नहीं थे और उसकी दाढ़ी डार्क ब्लैक कमर की थी। वो उस वक्त अपनी आंखें बंद करके उस अग्नि के सामने बैठकर मंत्र उच्चारण कर रहा था, साथ में अपने एक हाथ से उस अग्नि में अपनी आंखें बंद करे हुए ही आहुति दे रहा था। वही महेश मेहरा जॉन और विक्रांत राजावत उस अग्नि के एक तरफ अपने हाथ जोड़कर बैठ हुए थे। उन तीनों ने भी अपनी आंखें बंद की थी और वो भी उस काले कपड़े पहने हुए शख्स की तरह ही मंत्र उच्चारण कर रहे थे। उस मंत्र उच्चारण की आवाज उस पूरे गुफा में गूंज रही थी। कुछ ही समय में उनके सामने प्रज्वलित अग्नि का कलर अचानक बदल जाता है और उसी के साथ वो चारों ही अपनी आंखें खोल देते और अपने सामने जल रही उस अग्नि को देखकर उन चारों के चेहरे पर बेहद ही खतरनाक स्माइल थी। मंत्र उच्चारण की आवाज पूरी गुफा में गूंज रही थी जिससे उस गुफा के अंदर का वातावरण खतरनाक हो गया था। हवन कुंड में जल रही अग्नि धीरे धीरे उस मंत्र उच्चारण के साथ उग्र रूप धारण करने लगती है और कुछ ही समय बाद वो अग्नि अपना कलर मबल देती है, जिसे देखकर हवन कुंड के सामने बैठे चारों के चेहरे पर खतरनाक स्माइल आ जाती है। वो चारों ही कभी एक दूसरे को देखते तो कभी अपने सामने जल रही अग्नि को, जिसका कलर काला हो गया था, और कुछ ही समय उस अग्नि से काला साया बाहर आ गया। उसको देखकर वो चारों की अपने दोनों हाथ जोड़कर उसको प्रणाम करते है और उस गुफा में आवाज गूंज उठती है, काली शक्तियों के स्वामी कालकेय की जय हो, कालकेय की जय हो, कालकेय की जय हो। वही उस आवाज से पूरी गुफा में एक अजीब सा माहौल बन गया था। कुछ ही देर में वो काला साया अपने मानव रूप में आ जाता है। उसे देखकर ही वो चारों हो डर जाते हैं। डर के मारे उन चारों के माथे और पसीना आने लगता है। वही हो साया यानी कि कालकेय उन दोनों को ऐसे डरते देख जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी उस पूरे गुफा में गूंजने लगती है जिससे इस गुफा का वातावरण बेहद ही डरावना जो जाता है। कुछ ही समय उस गुफा के अंदर का माहौल एकदम चेंज था। अब उस गुफा में कोई हवन कुंड नहीं था, अग्नि कुंड से निकला कालकेय इस वक्त शेषन पर किसी राह की तरह पूरे घमंड के साथ बैठा था और उसके आगे वो चारों बैठे थे। महेश कालकेय की तरफ देखकर कहता है, काली शक्तियों के स्वामी आपका विजय असो। स्वामी कालकेय वो महाशक्तिशाली हीरा जल्द ही अपने असली रूप में धरती के गर्भ से बाहर आने वाला है और हमारे लिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस बार वो हीरा जिस दिन धरती पर प्रकट होगा उस दिन अमावस्या है, जहां पर आपकी और हमारी शक्तियां अपने चरम पर होती है। कालकेय उसकी बात पर उससे कहता है, हाँ महेश, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही कि जिस दिन वो शक्तिशाली हीरा जिसने पूरे ब्रह्मांड की शक्ति में ही नहीं आधे ब्रह्मांड की शक्ति सम्मिलित है, वो जिस दिन इस धरा पर प्रकट होने वाला है वो दिन हमारे लिए यानी कि काली शक्तियों के लिए बेहद ही शुभ है। उस दिन हमारी शक्ति अपने चरम होती है, कोई भी हमें उस दिन हरा नहीं सकता है, इसलिए हम आसानी से उस हीरे हासिल कर सकते हैं। हवन कुंड के आगे काली धोती के साथ बैठा हुआ वो शख्स कालकेय की बात सुनकर कहता है, आपकी बात तो सही है स्वामी, पर आप तो जानते ही है कि हम उस महाशक्तिशाली हीरे को छू नहीं सकते। उसे अगर हमने छू लिया तो हम वही भस्म हो जाएंगे, फिर हम उस महाशक्तिशाली हीरे को कैसे हासिल करेंगे। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी के चेहरे में परेशानी की लेकर साफ दिखाई देती है। कालकेय कुछ वक्त तक इस बारे में विचार करता है। गिर कहता है, तुम सही कह रहे हो काली, हम उस महाशक्तिशाली हीरे को छू नहीं सकते, ये बात तो मैं भूल ही गया था, पर कोई ना कोई इसका भी तोड़ होगा जिसको हमें ढूंढना है और इसमें हमारी सहायता
बस एक ही शख्स कर सकता है। कालकेय की बात सुनकर वो चारों की कालकेय की तरफ आतुरता से देखकर एक साथ कहता है, वो शख्स कौन है स्वामी? कालकेय अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लाकर कहता है, वो और कोई नहीं बल्कि असुरों के यानी की काली शक्तियों के गुरु महाराज विशंबर है। अब वो ही हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं। विक्रांत कालकेय की बात पूरी होने के बाद कहता है, आपकी बात बिल्कुल सही है कालकेय, पर आप तो अच्छे से जानते हो इस वक्त गुरु महाराज काली पहाड़ी पर अपनी शक्तियों को बढ़ने के लिए साधना कर रहे हैं। विक्रांत को बात सुनकर कालकेय गहरी सोच में चला जाता है। उसके कानों में जब जॉन की कही गई बात पड़ती है तो वो अपनी सोच से बाहर आकर जॉन की तरफ देखता है और कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो जॉन, अब वक्त आ गया है। 1000 सालों बाद हमको उस शक्ति को हासिल करने का मौका मिला है। हम अब पीछे नहीं हट सकते हैं। हम सब कल ही काली पहाड़ी की तरफ प्रस्थान करेंगे। वही जाकर हमको अपने प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। तुम चारों अभी ऐसे जाओ, हम कल सुबह यही मिलेंगे और यह से काली पहाड़ी के लिए प्रस्थान करेंगे। वो चारों ही अपना सेहा में हिलाकर काले दिए के जैसे वहां से गायब हो जाते हैं। वही दूसरी तरफ विक्रांत राजावत की बेटी आरुषि राजावत अपने बर्थडे के दिन एक अनजान शख्स के साथ रात बिताने के बाद उसके लिए पूरी पागल हो गई थी। उसने आज तक अपने करीब किसी भी लड़के को आने नहीं दिया था, पर वो उस लड़के के करीब जाने से खुद को रोक ही नहीं सकी। वो पागलों की तरह उस दिन के बाद उस लड़के को ढूंढ रही थी, पर उसके पास उस लड़के की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। इस वक्त आरुषि अपने कमरे में गुस्से से एक जगह से दूसरी जगह पर घूम रही थी। उसका चेहरा गुस्से कल हो गया था। वो पिछले 5 दिन से उस शख्स के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी, पर उसके हाथ में सिवाय नाकामयाबी के कुछ भी नहीं लग रहा था। ऊपर से उसके बर्थडे के दिन होने वाली ड्रग्स की डील की पुलिस को पता लगने के वेजेस सारे ड्रग्स जब्त हो गए थे, जिस वजह उसका 5000 करोड़ का नुकसान हो गया था, जिससे उसका दिमाग पहले ही खराब हो गया था। और वो पिछले 5 दिन से जिसने ड्रग्स के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया उसी को ढूंढ रही थी। उसका भी उसको कुछ पता नहीं चल रहा था। किस वो फ्रस्ट्रेट हो रही थी। वो अपना सर पकड़कर बेड पर बैठ गई थी, तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आता है। कॉल रिसीव करके वो दूसरी साइड के शख्स की बातें सुनती है। उसकी बातें सुनकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन गंभीर हो जाते हैं। वो उस शख्स को कुछ कहती है और कॉल कट करके मोबाइल अपने पॉकेट में रखकर अपने कमरे से निकल जाती है। वो जब हॉल में आती है तो उसे हॉल में अपने डैड विक्रांत राजावत किसी सोच में गुम दिखते उनके देख, और वो अपने कदम रोक लेती है और उनके पास जाकर बैठ जाती है। उसके विक्रम राजावत के पास बैठने से भी विक्रांत राजावत अपने सोच से बाहर नहीं आता। उसको तो इस बात का होश ही नहीं था कि उसकी बेटी उसके पास बैठकर उसके ही चेहरे की तरफ देख रही थी। जब काफी समय तक विक्रांत राजावत अपनी सोच में ही गुम रहता है तो आरुषि उसको हिलाते हुए कहती है, डैड क्या हुआ, आप किस सोच में गुम हो? मैं कितनी देर से आपके पास बैठी हूँ, पर आपका ध्यान कहीं और ही है। अपनी बेटी की आवाज से विक्रम राजावत होश में आता है। अपनी बेटी की तरफ देखकर वो कहता है, आरुषि बेटा तुम जब आ गई? आरुषि अपनी डैड की तरफ देखकर कहती है, डैड पिछले 15 मिनट से मैं ये पर बैठी हूँ, आप इतना किस सोच में गुम हो गए कि आपको मेरे आने का भी पता नहीं चला? एनीथिंग सीरियस डैड? विक्रांत राजावत अपनी बेटी के सर और हाथ रखकर कहता है, नहीं बेटा, बस इसे ही कुछ बिजनेस की टेंशन है, पर चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं संभल लूंगा। वैसे तुम इस वक्त कहीं बाहर जा रही हो क्या? आरुषि कहती है, यस डैड, इम्पोर्टेंट काम है, जल्दी ही आ जाऊंगी, आप अपना ध्यान रखना, ज्यादा टेंशन मत लेना, मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो बिना विक्रांत की कोई बात सुने वहां से चली जाती है। विक्रांत बस उसकी अपने से दूर जाती आकृति को देखता रहा जाता है। वही दूसरी तरफ एएम सोसाइटी के विला नंबर 303 के स्टडी रूम में एक शख्स अपने सामने चल रही सीसीटीवी फुटेज को देख रहा था, जिसमें आरुषि के कमरे की फुटेज चल रही थी। वो उसको खुद के लिए तड़पते देखकर बेहद खुश था।
वो शख्स खुद से ही कहता है, आरुषि राजावत इतनी भी क्या जल्दी है, मुझसे मिलने की अभी सही वक्त नहीं आया। हम मिलने जरूर मिलगे पर इतनी जल्दी नहीं बेबी। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। तभी उसके डोर पर कोई नोक करता है, जिसे सुनकर वो अपनी जगह से उठकर कमरे का गेट खोलता है तो उसके सामने उसका छोटा भाई था, जो कि अपने उतरे हुए चेहरे के साथ उसको देख कर कहता है, भाई अब आप ही उसको संभाल सकते हो, वो मेरी बात मानती ही नहीं, अब आप ही उसको खाना और दवाई खिला दो। इतना कहकर उसका छोटा भाई यश हाथ में खाने से भरी हुई थाल पकड़ा देता है और वहां से चला जाता है। वो शख्स कभी अपने हाथ में रखी हुई खाने से भरी हुई थाल और कभी अपने भाई की गटती हुई फिगर को वो अपन सरना में हिलाकर वहां से सेकंड फ्लोर पर बने हुए कमरे की तरफ बढ़ता है। वही दूसरी तरफ डार्क मेंशन में अनाया के कमरे में इस वक्त सारी फैमिली इकट्ठा हुई थी। अनाया को होश आ गया था, आज फाइनली अनाया ने अपना बेहोशी का नाटक बंद कर दिया था। इस वक्त उसके बेड के एक साइड पर लव और आयुष उसका हाथ पकड़ कर बैठ थे तो दूसरी तरफ उसकी दादी मालती मित्तल बैठी थी, जिनके चेहरे पर अपनी लाडली पोती को होश में आने की अलग ही खुशी नजर आ रही थी। वही उस कमरे में कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको अनाया के होश में आने की कोई खुशी नहीं थी। वो लोग बस अपने चेहरे पर जुटी स्माइल लिए वहां पर खड़े थे। वही मायरा अनाया को होश में आता देखकर उसके पास आकर उसके गले लगकर झूठ मूठ का रोने का दिखावा कर रही थी, जिसे देखकर जिनको उसकी सच्चाई पता थी उनके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वही अनाया की अब मायरा की जब सच्चाई पता चल गई थी तो उसका ऐसे गले लगना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वही आयुष मायरा को अनाया से दूर करके कहता है, मायरा दी ये आप क्या कर रही है, आपको पता नहीं क्या मेरी एंजल अभी अभी होश में आई है, अभी ये पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, तो आप ऐसे उनके गले कैसे लग सकती है अगर उनको चोट अलग गई तो। वही मायरा ऐसे आयुष के द्वारा खुद को अन्याय से दूर करने से बेहद गुस्से में आ गई थी, पर जब उसने सारी फैमिली को देखा तो वो चुप हो गई और अपने जुटे आंसू बहाते हुए अनाया को सॉरी कहती है। वो आगे कुछ कहती उससे पहली है उस कमरे में अखिलेश मित्तल की आवाज गूंजती है, जिसे सुनकर सब उस रूम से बाहर चले जाते हैं। मायरा आगे कुछ कहती उससे पहले ही अखिलेश जी की कड़क आवाज उस रूम में गूंज उठती है, जो कि उस रूम में मौजूद सभी से कह रहे थे, बस हो गया अब तुम सबका, अभी अभी प्रिंसेस को होश आ गया है और तुम सब चालू हो गए, चली जाओ सब अपने अपने कमरे में, प्रिंसेस को आराम करने दो अब। अखिलेश जी की कड़क आवाज सुनकर कोई भी आगे कुछ नहीं बोलता। मायरा कुछ कहने ही वाली थी कि अखिलेश जी उसको अपनी आंखें दिखाते हैं, जिससे उसके होठों पर आ रहे शब्द उसके होठों के अंदर ही रह जाती है। वो मन मार के उस रूम से सबके साथ चली जाती है। आयुष और लव अपनी जगह से एक कदम भी नहीं हिले, वो दोनों ही अनाया के पास ही बैठे थे। उनको रूम से जाता ना देखकर अखिलेश मित्तल उन दोनों को आंखें दिखाकर अपनी कड़क आवाज में कहते हैं, तुम दोनों अभी तक यहीं पर हो, तुम दोनों ने सुना नहीं क्या अभी मैंने क्या कहा। आयुष अपने दादू की तरफ देखकर कहता है, दादू मैं एंजल को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और आप हमको ही क्यों कह रहे हो, जाने को कुछ भाई और दोस्त भी तो यही पर है। उसकी बात सुनकर दादू कुछ कहने ही वाले थे कि अनाया उनको इशारे से मना कर देती है, जिसके बाद दादू उन दोनों को कुछ नहीं कहते। वो अपने छोटे बेटे हर्षवर्धन को इशारा करके अपने साथ बाहर चलने को कहते हैं। हरिश्वर्धन अपने डैड का इशारा समझकर अनाया के बालों को सहलाकर वहां से अखिलेश मित्तल के साथ चले जाते हैं। अब उस रूम में बस अयान कुशलव आयुष और अयाना ही थे। वही आयुष अपनी बहन की तरफ देखकर कहता है, एंजल अब आप ठीक हो ना, आपको कहीं और दर्द तो नहीं हो रहा है ना, अगर हो रहा है तो अभी बता दो, मैं डॉक्टर की बुलाता हूँ। अयाना उसकी बात सुनकर उसके गाल पर अपना हाथ रखकर न मैं अपना सर हिलाती है, अपनी बहन को कहीं भी दर्द नहीं हो रहा है, वो अब एकदम ठीक है। ये जानकर लव और आयुष राहत की सांस लेते हैं। लव अयाना की तरफ देखकर अपने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता है, प्रिंसेस तुम ना उस मायरा से दूर ही
रहो, मुझे वो ठीक नहीं लग रही है। पता नहीं तुम उसको ये पर क्यों लेकर आई हो। लव की बात पर आयुष भी हामी भरते हुए कहता है, जा एंजल, मुझे भी वो मायरा अच्छी नहीं लगती, आप इससे दूर ही रहो। मैं तो कहता हूँ उसको ये से वापस ऑस्ट्रेलिया भेज दो, आप खामखा उसकी अपने साथ लेकर आई हो। उन दोनों की बात सुनकर अनाया कुछ नहीं कहती। इस वक्त उसके दिमाग में काफी कुछ चल रहा था। अयान आयुष और लव के पास जाकर उनके सर पर हाथ रखकर कहता है, तुम दोनों चिंता मत करो, अगर उसके कुछ बुरे इंटेंशन होंगे तो उसको ऐसे ही जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम। वैसे ये सब छोड़ो, अब देखो अनु को होश भी आ गया है और मैं तुम दोनों की बात बताना भूल ही गया कि हम जल्द ही इंडिया जाने वाले हैं। अयान की बात सुनकर आयुष खुशी से अपनी जगह से उछल पड़ा। लव उसको संभालते हुए कहता है, आयुष धीरे लग जाएगी और अभी तुम बचे नहीं हो। आयुष लव की बात को इग्नोर करके अयान के पास जाकर उसको हग करके कहता है, दोस्त आप सच कह रहे हो ना, हम इंडिया जा रहे हैं। अयान अपना सर हां में हिला देता है। वो खुश था कि आयुष बस इंडिया जाने की बात से इतना खुश हो गया था। वो तो बस उसका ध्यान मायरा से हटाना चाहता। उसको मायरा के बारे में सब पता था, पर वो आयुष को इस सब में घसीटना नहीं चाहता था, क्योंकि अब तक उसको जितना पता था उससे वो इतना तो जान चुका था कि मायरा बेहद ही खतरनाक है। वो अपने मकसद के लिए किसी को भी होम पहुंचा सकती है और वो नहीं चाहता था कि आयुष किसी मुसीबत में आए, जिस से सबसे ज्यादा दुख उसकी जान को यानी कि अनाया को ही होता। वही आयुष इंडिया जाने के बाद से ही इतना खुश हो गया था कि वो मायरा के बारे में भूल गया था, पर लव आयुष की तरह नहीं था। वो अयान और अपने भाई खुश के साथ अपनी बहन के चेहरे के सारे एक्सप्रेशन नोटिस कर रहा था। उसे कुछ गड़बड़ नजर आ रही थी, पर अभी वो उनसे आयुष के आगे कुछ पूछना नहीं चाहता था। वही दूसरी तरफ इंडिया में आरुषि राजावत राजावत मेंशन से सीधा राजावत कॉरपोरेशन के ही अंडर आते एक क्लब के अंडर चली जाती है। उस क्लब में इस वक्त बेहद गर्दी थी। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट उस क्लब में चील करने के लिए आते थे। उस क्लब में अमीर हो या गरीब सभी की एंट्री थी। आरुषि उस क्लब में बने अपने सीक्रेट रूम में चली जाती है, जहां पर दो लोग उसका ही इंतजार कर रहे थे। आरुषि के उस क्लब के अपने रूम में एंटर करते ही वो दो लोग जो उसका इंतजार कर रहे थे वो अपनी जगह से खड़े होकर उसको ग्रीट करते हैं। आरुषि पूरे एटीट्यूड के साथ उनके सामने के चेयर पर किसी रानी की तरह बैठ जाती है और उन दोनों की तरफ देखकर कहती है, बोलो क्या बात है, तुम दोनों ने मुझे ये पर इतने अर्जेंट में क्यों बुलाया। तुम लोग जानते हो ना, हमें किसी ने साथ में देख लिया तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उसकी बात सुनकर उसके सामने बैठे फूगो में से एक कहता है, हम जानते हैं एआर, अगर किसी ने हम इसे साथ में देखिए तो बेहद बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, पर हम भी क्या करते, बात ही बेहद इम्पोर्टेंट है, हम तुमको फोन पर नहीं बता सकते थे, इसलिए तुमको बताने के लिए ये पर आ गए हैं। उसकी बात सुनकर आरुषि अपने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उन दोनों की तरफ देखते हुए कहती है, एसीबी कौन सी इतनी जरूरी बात है कि तुम दोनों को ये पर आना पड़ा, वो भी इतनी बड़ी रिस्क लेकर। उसकी बात पर इन दोनों में से दूसरा आदमी उससे कह है, रह बात ही कुछ ऐसी है, रह इतने सालों के बाद उसकी तरफ से कोई मैसेज आया है। उस आदमी की बात सुनकर आरुषि उसकी तरफ अपनी टकटकी लगाकर उसकी तरफ देखकर कहती है, तुम सच कह रहे हो ना, उसका मैसेज आया है, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है ना। उसकी बात सुनकर वो आदमी आरुषि की तरफ देखकर कहता है, रहिए 100% सच है, उसका ही मैसेज आया है। इतना कहकर वो अपने फोन आ रहा उस शख्स का मैसेज आरुषि के सामने करता है, जिसे देखकर आरुषि की आंखों में पानी आता है, पर वो जल्द ही अपने आंसू को साफ करती है और उस मैसेज का पढ़ने लगती है। जैसे जैसे वो मैसेज पढ़ती है वैसे वैसे उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। आरुषि उस मैसेज को पढ़कर अपनी सर्द आवाज के साथ उन दोनों की तरफ देखकर कहती है, तैयारी करो, अब आखिरी लड़ाई होगी, वो भी आमने सामने की, जल्द ही वो हमारे सामने होगी और मेरा सालों का इंतजार भी खत्म होगा।
इतना कहकर वो उन दोनों को कुछ समझती है। उसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद आरुषि भी इस क्लब से निकलने की सोचकर अपने प्राइवेट रूम से बाहर आती है, और वो जब बाहर जा ही रही थी कि तभी उसकी नजर बार काउंटर पर ड्रिंक्स करते हुए एक लड़के पर जाती है, जिसे देखकर उसके आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। वो अपने क्लब से बाहर जाते कदमों को उस लड़के की तरफ मोड़ देती है और मन में ही कहती है, आखिर तुम मुझे मिल ही गए, पूरे 5 दिन के बाद मेरे सामने आए हो। कहा नहीं ढूंढ तुमको, पर अब कोई बात नहीं, जब तुम खुद ही मेरे सामने आ गए हो, अब मैं तुमको अपने आप से दूर जाने ही नहीं दूंगी। इतना कहकर वो उस लड़के के पास जाने ही रही थी कि तभी वो सामने कुछ ऐसा देख लेती है, जिससे गुस्से के मारे उसकी मुट्ठी कस जाती है। उसके लंबे नाखून उसकी ही हथेली में चुभने लगते हैं, जिससे हल्का खून भी निकलने लगता है, जिस बात का उसका एहसास ही नहीं था। वो तो बस अपनी गुस्से से लाल हुए आंखों से अपने सामने देख रही थी। वही दूसरी तरफ अखिलेश जी, हर्षवर्धन, अयान, लवकुश और अयाना मिलकर आने वाले खतरे के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। अयाना को अब पहले से काफी बेहतर देखकर अब अयाना को अखिलेश मित्तल खुद आगे कैसे दुश्मनों से उस महाशक्तिशाली हीरे की रक्षा करनी है, उसकी ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया था। वही अखिलेश मित्तल ने महागुरु को रक्षक के मिलने का मैसेज सेंड कर दिया था। अब बस उनको इंतजार था कि महागुरु के आने का। वो लोग ठीक 15 दिन के बाद इंडिया जाने वाले थे। तब तक अमाया को सब बेसिक इन्फॉर्मेशन समझने में मदद मिलने वाली थी, जिससे वो अपने दुश्मनों से लड़ सके, खासकर काली शक्तियों से। वही दूसरी तरफ कालकेय ने भी पूरी तैयारी कर ली थी। इस बार वो किसी भी कीमत पर अपने हाथ से वो महाशक्ति शाली हीरा और उसकी वो शक्ति को खोना नहीं चाहता था। उसने अपने मारे हुए पिता को वादा किया था कि वो उस महाशक्तिशाली हीरे को हासिल करके काली शक्तियों को और स्ट्रांग बनाएगा, जिससे उनके आगे कोई भी टिक नहीं पाएगा। वही सुरभि राजावत इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में, उसको जो मैसेज मिला था उसके बाद वो जिसने वो मैसेज उसको भेजा था उसको ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी, पर उसने उसको हर बार नाकामयाबी ही मिल रही थी, जिससे वो फ्रस्ट्रेट हो रही थी। तभी डेविड उसके सामने आकर उसके आगे एक पेन ड्राइव करता है। सुरभि उस पेन ड्राइव को लेकर उसको अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके देखती है, तो वो उस पेन ड्राइव में जो इन्फॉर्मेशन और जो लोकेशन शो हो रही थी, जिसे देखकर उसकी आंखें में एक अलग ही चमक दिखने लगती है। वो डेविड को गले लगाकर कहती है, थैंक यू सो मच डेविड। सुरभि के हाथ में मित्तल फैमिली इस वक्त कहां पर उसकी लोकेशन लग चुकी थी, जिसे उसके सीक्रेट बॉयफ्रेंड ने उसको दी थी, जिससे वो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। कुछ ही समय में सुरभि और डेविड आप अपनी वेल ट्रेंड टीम के साथ उनके पास जो भी मित्तल फैमिली के बारे में अभी इन्फॉर्मेशन थी उसके बिहाव पर वो उनके पास जो लोकेशन थी इस लोकेशन की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ डार्क मेंशन में, जब से अमाया को जोश में आने की बात पता चली थी, तब से मायरा और उसके साथ और दो लोगों के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई थी। वो दोनों और कोई नहीं बल्कि देवराज मित्तल और सिया मित्तल थे, जो कि अनाया के बड़े पापा और बड़ी मॉम थी। दोनों ही अनाया के होश में आने से खुश नहीं थी। वो दोनों ही इस वक्त अपने कमरे में बैठकर कुछ सोच रहे थे। सिया जी अपनी जगह से उठकर कमरे में इधर से उधर घूमने लगती है। ऐसे सिया को इधर से उधर घूमते देखकर देवराज उसको रोकते हुए कहता है, सिया यह मेरे पास बैठो, ऐसी ही रूम में घुमती रहोगी तो तुम्हारे पैरों में दर्द होने लगेगा। सिया जो अपने किसी सोच में गुम थी, वो जब अपने पति देवराज मित्तल की बात सुनती है तो उसे भी उनकी बात सही लगती है, क्योंकि अभी उसने बस 3 ही चक्कर लगाए थे। रूम के उतने में ही उसके पैर दुखने लगे थे। वो अपने पति के पास बैठकर उसकी तरफ देखकर उससे कहती है, अब क्या करना है देव, हमारा प्लान तो फेल हो गया। हमें तो लगा था उस एक्सीडेंट में अनाया मर जाएगी, वो जिंदा नहीं वापस आएगी, पर दिल्ली ना वो सही सलामत है, और अब तो वो पूरी तरह से ठीक भी हो गई है, और हम अपने हाथ और हाथ रखकर बैठे हुए हैं।
अपनी पत्नी की बात सुनकर देवराज मित्तल उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उससे कहते हैं, सिया रिलैक्स, वैसे तुमने इसको मैसेज भेज दिया है ना। सिया अपनी पति की बात सुनकर बसहा में सर हला देती है, जिसे देखकर देवराज अपने सीरियस फेस के साथ कहते है, तो अब कोई चिंता नहीं, देखना अब जल्द ही ये अनाया नाम जा ग्रहण हमारे बीच में नहीं रहेगा, और जो उसके चाहते हैं उनको भी जल्द ही अपने रास्ते से हटा दूंगा, तुम चिंता मत करो, फ्री सभी मित्तल फैमिली की जायदाद पर हमारा ही राज होगा। अपने पति के बात सुनकर सिया जी कहती है, देव वो सब तुम्हारी अपनी फैमिली है, तुम अपने डैड और मॉम को भी मार डालोगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर देवराज मित्तल अपनी जगह से उठकर खिड़की के पास खड़े होकर कहते हैं, कौन से मॉम डैड, उनको तो मेरी कभी कुछ पड़ी ही नहीं, उनको तो बस अपने छोटे बेटे से उस हर्षवर्धन से प्यार है, वो ही उनके लिए सब कुछ है, उनके लिए सबसे जरूरी वो ही है। मॉम डैड ने कभी मुझे और सुमित्रा दी को कभी हर्ष जितनी इम्पोर्टेंट दी ही नहीं। देवराज मित्तल अपने मन में जो अपने मॉम डैड और भाई के खिलाफ जो भी नाराजगी गुस्सा थी, जिसने अब नफरत का रूप ले लिया था, वो सब अपनी पत्नी सिया के आगे के रहा था, जिसे सुनकर सिया के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। वो खुद के ही मन में ही कहती है, वो सिया आखिर तुम जो चाहती थी वो हो ही गया, देव के मन में तुमने उसके ही फैमिली के खिलाफ जहर बार ही लिया, आज देव की बातों में उसकी अपनी फैमिली के खिलाफ नफरत साफ दिखाई दे रही थी। वो ये सब मन ही मन सोचकर बेहद खुश हो रही थी। वो अपने पति देवराज मित्तल के पास जाकर पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख देती है और कहती है, देव तो अब क्या सोचा है आपने, आगे क्या करना है। उसकी बात सुनकर देवराज मित्तल, जिसके आंखों में कुछ अजीब से ही इमोशन थे, जिन्हें अगले ही पल छुपाकर वो अपनी पत्नी की तरफ पलट जाता है और उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर कहता है, अब क्या करना है, हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो बस दूर से ही देखेंगे, जो भी करेगा वो ही करेगी, तुम जानती हो ना हमारे बच्चे दोनों ही हर्ष के और उनके दादू और दादी और खासकर उस अनाया के कितने करीब है, अगर हमारे बारे में उनको पता चला तो वो हमसे दूर हो जाएंगे। देवराज ने बस इतना ही कहा था कि दिया जी के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट दिखने लगती गई। वो घबराते हुए देवराज के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करके उससे कहती है, नहीं नहीं देव, मैं अपने बच्चों को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती हूँ, कुछ ऐसा करो कि वो दोनों इन सब से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। सिया को ऐसे घबरते देख देवराज उसके चेहरे को अपना हाथ में पकड़ लेता है और उसको अपनी आंखों बमाएं देखने को कहता है और उसकी आंखों में देखकर कहता है, सिया घबरने की कोई जरूरत नहीं है, हम जो भी करेंगे वो सब पर्दे के पीछे रहकर ही करेंगे और हमारे बच्चे भी जल्द ही हमारे साथ होंगे, उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा वो मैं करूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। इतना कहकर वो दिया के माथे पर किस कर देता है। वही उसके एहसास से सिया की आंखें अपनी आप बंद हो जाती है। उसकी बंद आंखों को देखकर देवराज के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो उसकी बंद हो चुकी आंखों पर किस करके उसके कान के पास अपने होठों को ले जाकर कहता है, सिया हमारी शादी को 25 साल हो गए हैं, पर आप आज भी वैसे ही मेरे आपके पास आने से शर्मा जाती है। इतना कहकर देवराज सिया के जान और किस करके बाइट कर लेता है। उसके ऐसा करते ही सिया की हल्की सी चीख निकल जाती है। वो अपनी आंखें खोलकर नाराजगी से अपनी पति देव की तरफ देखकर कहती है, देव आपने काटा क्यों, दर्द हो रहा है। उसकी बात पर देवराज मित्तल उसकी तरफ अपने आंखों में शरारत लिए देखते हैं। वही सिया देव के आंखें में शरारत देखकर उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगती है और कहती है, देव नो नो, उसको अपने से यूं दूर होता और नो कहता देख देवराज अपना सर ना में हिलाते हुए कहता है, नहीं सिया आज तुम मुझ से नहीं बच सकती। इतना कहकर देवराज आगे बढ़कर सिया के होठों पर अपने होठों को रखकर उसके होठों को चूमने लगते हैं। सिया भी देवराज के किस से पिघलने लगती है और वो भी किस में साथ देने लगती है। वही देवराज सिया का साथ पाकर उस छोटी सी किस को पैशनेट किस में बदल जाता है। उस रूम का माहौल पूरा रोमांटिक हो गया था। सिया और देवराज दोनों ही एक दूसरे को प्यार करने में गुम हो गए थे।
वही दूसरी तरफ अनाया अपने रूम में स्टडी टेबल और बैठकर महाशक्तिशाली हीरे के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन थी उनको पढ़ रही थी। उसके हाथ में उस वक्त एक बेहद ही बड़ी और पुरानी किताब थी जिसे 1000 साल पहले उस वक्त के महाशक्तिशाली हीरे की रक्षक ने उसके अनुभव और बेहद सी उस महाशक्तिशाली हीरे के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी। साथ में उस रक्षक को उस दिव्य हीरे को सुरक्षित फिर से धरती के गर्भ में एक सुरक्षित विलीन करने में जो भी दिक्कत आई या जिस भी परेशानी का सामना करना पड़ा उन सब के बारे में उस किताब में इन्फॉर्मेशन लिखी थी, जिससे अनाया को अपने अगले सफर में बेहद फायदा होने वाला था। वो अपने ही घर में मौजूद दुश्मनों के बारे में अनजान थी। उसे इस बारे में जरा भी जानकारी नहीं थी कि उसके बड़े पापा और बड़ी मॉम दोनों उसके जान के दुश्मन बने बैठे हैं। इन सबसे अनजान वो इस वक्त अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही थी। वही दूसरी तरफ सुरभि राजावत अपने सीक्रेट बॉयफ्रेंड डेविड और उसकी सबसे बेहतरीन और खतरनाक टीम के साथ आइलैंड की तरफ बढ़ रही थी, जिसमें मित्तल फैमिली अभी थी। वही कालकेय और उसके साथी यानी कि विक्रम राजावत, महेश जॉन और वो शख्स जिसका नाम काली था, वो पांचों ही काली पहाड़ी की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं, जहां पर असुरों के महागुरु उनको आगे क्या करना है, कैसे उस हीरे को उस रक्षक से हासिल करना है, इस बारे में उनको महागुरु से पता चलने वाला था। और खुद महागुरु उनके साथ पृथ्वी पर आकर उनकी उस महाशक्तिशाली हीरे को हासिल करने में मदद करने वाले थे। दूसरी तरफ हर्षवर्धन, अनाया के डैड और अखिलेश जी, अनाया के दादू, दोनों ही सीक्रेटली अयान के साथ कुश और लव को आने वाले खतरे के लिए ट्रेन कर रहे थे। अखिलेश जी को जीता उनके गुरु ने सिखाया था वो सब। अब वो अपने दो पोतों को और अपने पोती के होने वाले पति जो कि उनके लिए सोने पोते के समा ही था, वो उन तीनों को हो ट्रेन कर रहे थे, जिनमें हर्षवर्धन उनकी सहायता कर रहे थे। वही आयुष इन सबसे अलग इस वक्त डार्क मेंशन के स्की रूम में, जिसका रास्ता अनाया के रूम से जाता था, उस सीक्रेट रूम में बेड पर लेटी अपनी मॉम का हाथ पकड़े की बैठा था और उनसे न जाने क्या बातें कर रहा था। अनाया ने राशि जी को डार्क मेंशन के सीक्रेट रूम में शिफ्ट कर दिया था। उस सीक्रेट रूम को उसने एक हॉस्पिटल रूम में कन्वर्ट कर दिया था, जिसमें जरूरत के हर एक सामान था। और उसी रूम में उसकी मॉम राशि मित्तल इस वक्त गहरी नींद में सो रही थी। वही आयुष के साथ हुए को भी अब तक पता चल गया था कि राशि जी जिंदा है, ये जानने के बाद और उनको अपने आंखों से देखने के बाद दोनों बेहद खुश थे। और उस दिन से जब से आयुष को अपनी मॉम से मिला था, उस दिन से वो ज्यादा हर वक्त अपने मॉम के साथ ही रहता था। वो हर वक्त उनसे किसी न किसी विषय पर बातें करता रहता। उसे ऐसा लगता था उसकी मॉम कोमा में है, वो उसकी सारी बातें सुन सकती है, वो उसकी एक न एक बात पर तो कुछ रिएक्ट करेगी, कोमा से बाहर आएगी। सब अपने अपने काम में बिजी थे। वही मायरा, जिसे खुद को इग्नोर होता महसूस हो रहा था, क्योंकि वो जब भी किसी बात को लेकर या अनाया से मिलने जाती तो उसे वहां पर हर समय या तो अयान या तो हर्षवर्धन या फिर दादू अखिलेश मित्तल अनाया के पास ही नजर आते, जिससे वो अनाया से कुछ कह ही नहीं पाती और कुछ देर उसके पास बैठकर वापस आ जाती। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसने जो अपने बालों में क्लिप लगाई थी उसमें ग्रीन कलर की लाइट ब्लिंक हो जाती है, जिसे देखकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। उसकी आंखों में कुछ अजीब से ही एहसास आकर चले जाते हैं। मायरा खुद को अनाया द्वारा इग्नोर होता महसूस कर रही थी। उसे हर पल अनाया के आसपास अनाया के डैड दादू अयान लव कुश और अयान का हो खटक रहा था। वो इन कुछ दिनों में वो जब भी अनाया से मिलने जाती तो उसे हर पल उसके पास कोई ना कोई दिखता, जिससे वो खुलकर अनाया से बात नहीं कर पाती थी। वो यही सब सोच रही थी कि तभी उसको अपने बालों में लगाई हुई हेयर क्लिप में ग्रीन लाइट ब्लिंक होते दिखती है, जिसे देखकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। मायरा के आंखों में इस वक्त अजीब से ही एहसास दिखी दे रहे थे, पर वो जल्दी ही उन्हें छुपा लेती है। मायरा बड़ी ही सावधानी के साथ डार्क मेंशन से निकला जाती है। डार्क मेंशन के कुछ ही दूरी पर जाकर वो
अपने हेयर क्लिप को निकल कर अपने हाथ में रखती है और अपना मोबाइल निकल कर उसमें कुछ करती है और उस हेयर क्लिप को निकाल कर एक औथा पर रख देती है और अपने मोबाइल की स्क्रीन पर शो हो रहे रिमोट के बटन प्रेस करती है। उसके ऐसा करते ही उसके सामने मौजूद वो हेयर क्लिप एक छोटे से बड में बदल जाती है। मायरा उस बड को रिमोट के सहारे कंट्रोल कर बड़े ही चालाकी से आइलैंड के बाहर 1000 मीटर की दूरी पर भेज देती है। जब वो हेयर क्लिप अपनी जल तक पहुंच जाता है तब मायरा अपने मोबाइल में कुछ लिखकर एक नंबर पर सेंड करती है। उसके बाद वो अपने चेहरे और शातिर स्माइल करके कहती है, अब बस हो गया ये छुए बिल्ली का खेल, अब मुकाबला आमने सामने का होगा। वैसे भी अब मैं नाटक करते करते बोर हो गई हूँ। अब मैं और उस अनाया और उसकी फैमिली को नहीं जेल सकती, खासकर उस कुश को। खुद क्या समझता है पता नहीं, उसे की लगता है मैं उससे प्यार करती हूँ। प्यार माय फूट, मेरी जूती भी उससे कभी भी प्यार ना करे। वो तो बस एक मुहरा था जिसका इस्तेमाल मैं खुद को बचाने के लिए करने वाली थी, पर अब मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मायरा यानी के मेरे ही इशारे पर लाखों लड़के मेरे सामने खड़े हो गए। उसने इतना ही कहा था कि इसके सामने कुश का हैंडसम चेहरा और उसकी शर्टलेस बॉडी आ जाती है, जिसे देखकर उसका गला सूखने लगता है। वो मन में ही कहती है, वैसे बड़ा हॉट है ये कुश मित्तल, इसे तो एक बार चखना तो बनता ही है। इतना कहकर वो शैतानों की तरह हंसने लगती है। मायरा वहां से छुपते छुपाते अपने कमरे में आ जाती है और आराम से अपने बेड पर लेट जाती है और थोड़ी ही देर में उसको नींद आ जाती है। इस बात से अनजान की कोई काफी देर से उसके हर एक मोमेंट पर नजर रख रहा था और उसने उसके हर एक एक्शन को अपने मोबाइल में कैप्चर कर लिया था। दूसरी तरफ आरुषि राजावत इस वक्त राजावत मेंशन में अपने कमरे में गुस्से से हम रही थी। उसके जहन से अभी भी जो उसने उस दिन क्लब में देखा था वो जा ही नहीं रहा था। वो बार बार अपने सामने वही सब दिख रही थी जिससे उसको गुस्सा आ रहा था। उसका गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर जा रहा था। वो उस अनजान शख्स को जिसके साथ उसने एक रात बिताई थी उसको किसी और के साथ देख ही नहीं सकती थी। अगर उस समय उसको उसके असिस्टेंट ने रोका नहीं होता तो वो उसी वक्त उस लड़की को जान से मार डालती। वो अपने रूम में ही बनाए हुए स्टडी एरिया में जाती है और उस रूम की एक बड़ी सी वॉल पर एक शख्स की बड़ी सी फोटो लगाई थी जो कि लाल कलर के कपड़े से ढकी हुई थी। वो उस तस्वीर के आगे जाकर खड़ी हो जाती है और उस पर से वो रेड कपड़ा हटती है तो उसके सामने एक बेहद ही हैंडसम चेहरा आता है। उसके सामने जो तस्वीर थी उसमें वही लड़का था जिसके साथ उसने एक रात बिताई थी, जिसके लिए वो तड़प रही थी, और वो इकलौता शख्स था जो कि आरुषि राजावत के इतने पास आ गया था। और उस हैंडसम लड़के के बारे में आरुषि को कुछ भी नहीं पता था सिवाय उसके नाम के, जो कि उसको उस क्लब में पता चल गया था। आरुषि उस लड़के के चेहरे पर अपनी खूबसूरत गोरी उंगलियां फिरते हुए कहती है, बेबी तुम मुझे बेहद तंग कर रहे हो, कहां पर हो तुम, मैंने तुमको कितना ढूंढा पर तुम मुझे मिले ही नहीं, और जब पूरे 5 दिन के बाद दिखे भी तो उस क्लब में पर मैं तुमसे मिल ही नहीं पाई। और बेबी तुम्हारे साथ वो लड़की कौन थी जो तुम्हारे इतने करीब थी, हाँ बताओ। ये सब आरुषि एक सनकी पागल की तरह सब उस तस्वीर के सामने होकर के रही थी। तभी अचानक उसकी आंखें लाल हो जाती है और वो उस तस्वीर की तरफ देखकर अपने आंखों में एक जुनून और पागलपन लिए कहती है, वो लड़की कोई भी हो उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, समझे तुम सिर्फ मेरे यानी आरुषि राजावत के हो। अब बस हो गया यू लुका छुपी का खेल, अब तुमको मेरे सामने आना होगा, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं खुद तुम्हारे सामने आऊंगी। इतना कहकर वो उस रूम से बाहर निकल जाती है। रूम से बाहर आकर वो राजावत मेंशन के हॉल में आती है जहां पर उसका पर्सनल बॉडीगार्ड था। वो उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देती है। उसके बाद वो राजावत मेंशन से बाहर निकलकर बाहर खड़ी अपनी कार में बैठकर वहां से कहीं चली जाती है। वो इस वक्त अकेली ही जा रही थी, उसके साथ कोई भी बॉडीगार्ड नहीं था। वही आरुषि की कार राजावत मेंशन से निकलते ही राजावत मेंशन और खासकर आरुषि के हर एक मोमेंट पर नजर रख
रहा शख्स अपना फोन निकल कर किसी को कॉल करता है और कहता है, साहिब चूहा बिल से निकल गया है, मैं उसका पीछा कर रहा हूँ इस वक्त, उसी साथ कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, यही सही मौका है। उसकी बात सुनकर कॉल की दूरी तरफ जो इंसान था वो उसको कुछ कहता है, जिसे सुनकर वो इंसान ओके बॉस कहकर कॉल कट करता है और खुद से ही कहता है, चल माइकल चूहे का पीछा कर, आज उसको उसके शिकारी तक किसी भी हालत में पहुंचन ही होगा, क्योंकि आज वो करीना विक्रांत राजावत भी शहर से बाहर गया हुआ है, चल अब लग जा अपने काम पर। इतना कहकर वो शख्स जो छुपकर राजावत मेंशन पर नजर रख रहा था, यानी कि माइकल, अपनी कार में बैठकर आरुषि राजावत जिस डायरेक्शन में गई थी उसकी तरफ अपनी कार घुमा देता है। आरुषि के उसके आपस से गुजरे 10 मिनट हो गए होंगे, वो उससे काफी दूर चली गई थी, पर वो शख्स अपनी गाड़ी को रॉकेट की स्पीड से दौड़ाकर कुछ ही समय आरुषि के कार से बस कुछ ही मीटर की दूरी छोड़कर कार चला रहा था, जिससे उसको शक न हो कि कोई उसको पीछा कर रहे है। वैसे भी माइकल को चिंता करने की कोई बात नहीं थी, आज आरुषि बिना कहीं पर ध्यान दिए बस अपनी गाड़ी को चला रही थी। उसके दिमाग कुछ और ही कॉल रहा था और दिल में कुछ और, वो अपने दिमाग और दिल के बीच उलझ गई थी, उसको पता ही नहीं चला कि कोई उसकी कार का पीछा कर रहा है। आरुषि कर चला ही रही थी को तभी उसके फोन पर किसी का मैसेज आता है, जिसमें किसी की लोकेशन शो हो रही थी, जिसे देखकर उसके चेहरे पर अलग ही मुस्कान आ जाती है। वो खुद से ही कहती है, बेबी आज तुम मुझसे नहीं भाग सकते, आज तो मैं तुमको पकड़ ही लूंगी, एक बार तुम मेरे सामने आ जाओ, फिर देखो तुमको अपने आप से अलग ही नहीं होने दूंगी। इतना कहके वो डेविल स्माइल करके अपनी कार की स्पीड बढ़ा देती है। वो किसी भी हालत में जल्द से जल्द उस लोकेशन तक पहुंचना चाहती थी। दूसरी तरफ अनाया अपनी आंखें बंद करके अपने रूम में बैठी थी, तभी उसके सामने पूरे आइलैंड का दृश्य आ गया। उसे कोई बड़ी ही तेजी से उनकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। वो उस शख्स का चेहरा देखने की कोशिश करती है तो उसे एक लड़की और एक लड़का दिखाई देता है। दोनों के चेहरे साफ दिखाई नहीं दे रहे थे, जिस वजह से अनाया उनके चेहरे पर कंसेंट्रेट करने लगती है तो उसे लड़की का चेहरा साफ दिखाई देने लगता है, जिसे देखकर उसकी आंखें खुल जाती हैं और उसके मुंह से निकल जाता है, सुरभि राजावत। अनाया अपने सामने दिख रहे दृश्य में दिख रही लड़की सुरभि थी, लड़के का चेहरा उसको अच्छे से दिखाई नहीं दिया था। वही सुरभि को देखकर अनाया के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, वो खुद से ही कहती है, वो तो सुरभि तुमको पता चल ही गया मैं इस वक्त कहां हूं, मित्तल परिवार कहां है और तुम अपनी पूरी तैयारी के साथ यह पर आई हो, पर तुमने बेहद बड़ी गलती कर दी, यह आकर तुमको ये पर नहीं आना चाहिए था। कोई बात नहीं, अब अगर तुम खुद ही अपनी मौत के पास चलकर आई हो तो मुझे तुमको मौत देने में कोई भी परेशानी नहीं है, वैसे भी पिछले जन्म का बदल भी तो तुमसे लेना अभी बाकी है, तुमने पिछले जन्म में दोस्त बनकर मुझे धोखा दिया था ना, उसका बदला मैं लेकर रहूंगी, तुमको इतनी आसान मौत नहीं मिलेगी, अब शायद तुम्हारे पापों का गड़ा भर चुका है इसलिए तुम मेरे पास चली आई हो। कोई बात नहीं, मैं तुमको इस दुनिया से मुक्ति दिला दूंगी। इतना कहकर अनाया अपने जगह से उठ खड़ी हुई। इस वक्त उसके आंखों में बगले की आग साफ दिखाई दे रही थी, तभी उसके कमरे का डोर नोक हुआ, जिसे देखकर वो अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बदल देती है और खुद को नॉर्मल कर कमरे के बाहर जो भी है उसको अंदर भुलाती है। कमरे के अंदर देवांश मोर एंटर होता है। कमरे में एंटर होने के बाद वो डोर लॉक करके अनाया के सामने आकर अपने हाथ में मौजूद फोन में एक वीडियो ऑन करके अनाया के सामने कर देता है, जिसे देखकर अनाया के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है और अनाया के चेहरे पर डेविल स्माइल देखकर देवांश के चेहरे पर डर से पसीना आने लगता है। तो आगे क्या होने वाला है, आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर शेयर करें। अभी कहानी जारी रहेगी। डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ इन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके।
And if you like my story, so comments your feelings with heart emoji. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं, तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।